नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे राजस्थान में चल रही सियासी घमासान की। हम सभी जानते हैं कि किस तरह से राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जुबानी जंग देखने को मिलती है, और इसी कड़ी में एक बार फिर से सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर बड़ा निशाना साधा है। बता दें कि जिस तरह से कुछ दिन पहले ही जालौर में एक दलित छात्र के साथ किस तरह की घटना हुई, एक टीचर ने इतनी बुरी तरह से उस बच्चे को पीटा कि आखिरकार उस बच्चे की जान चली गई, जिसे लेकर लगातार राजस्थान में बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि न केवल बीजेपी और साथ ही बसपा, अब कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस बात को लेकर अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं। अंतर कलह कांग्रेस पार्टी के अंदर ही देखने को मिल रही है। इसी के साथ अशोक गहलोत के उस बयान की भी आलोचना लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में सचिन पायलट भी जालौर में दलित छात्र के साथ हुई घटना को लेकर पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, उनसे मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए यहां पर सचिन पायलट ने साफ तौर पर सीएम अशोक गहलोत और पुलिस की कार्रवाई को लेकर यहां पर उसकी निंदा की। बता दें अशोक गहलोत ने इस मामले में ये बयान दिया था कि आखिरकार राजस्थान सरकार को ही क्यों घेरा जा रहा है, और भी राज्य है जहां पर इस तरह की आपराधिक घटनाएं होती है। काफी निंदनीय ये बयान है, एक सीएम होने के नाते आप इस तरह का बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष और पक्ष हर कोई यहां पर इसकी आलोचना कर रहा है। इसी कड़ी में सचिन पायलट ने भी अशोक गहलोत के इस बयान पर उन पर निशाना साधा, और साथ ही राजस्थान पुलिस का जो रवैया था पीड़ित परिवार को लेकर उसकी भी निंदा की। सचिन पायलट ने कहा कि हमें यहाँ पर जो दलित समुदाय है उनके लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि हम उनके साथ हैं, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसी के साथ मैं पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की भी घोर निंदा करता हूं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अपील भी करता हूं कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने पीड़ित परिवार के साथ इस तरह का बर्ताव किया। इसके बाद सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें राजस्थान में इस तरह का माहौल बनाना है कि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को कुछ बदलाव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस तरह की घटना कहीं ना कहीं राजस्थान में जनता के बीच कांग्रेस पार्टी को लेकर जो विश्वास है उसे यहाँ पर कम कर रहा है, उसे धूमिल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक बार फिर से सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर निशाना साधा। बता दें कि सचिन पायलट के इस बयान का समर्थन करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अब अशोक गहलोत पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि अक्सर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जमीर जागता रहता है, और इसी कड़ी में सचिन पायलट का भी आज जमीर जागा और उन्होंने जो जालौर में इस तरह की घटना घटी है उसे लेकर बिना किसी भेदभाव के जो गलत है उसके खिलाफ बेबाकी से बयान दिया, जिसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूँ। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत का ऐसा बयान सामने आया है, इसके बाद क्या राजस्थान की जनता अशोक गहलोत पर एक बार फिर से भरोसा जता पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।